हमारी धरती कितनी खूबसूरत और संतुलित है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस संतुलन को बनाए रखने में असल मेहनत कौन करता है? हम अक्सर विशाल पर्वतों और गहरी घाटियों की बात करते हैं, लेकिन इस अद्भुत संतुलन को बचाने वाले वो जीव हैं जिन्हें हम आम तौर पे देख भी नहीं पाते। ये हैं प्रकृति के क्लीन अप क्रू, वो नन्हे और बड़े जीव जो कचरे से लेकर गंदगी तक हर चीज को संभालते हैं और इस तरह हमारी धरती को साफ और सेहतमंद बनाए रखते हैं, है ना कमाल? स्वागत है द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में, जहां आज हम आपको धरती की अद्भुत दुनिया के अनछुए पहलू दिखाने वाले हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को हमने दो हिस्सों में बांटा है। पहले भाग में हम जानेंगे उन खास प्रजातियों के बारे में जो जमीन पर सफाई का काम करती हैं। अगले भाग में हम आपको ले जाएंगे पानी के नीचे, जहां के सफाई कर्मी पूरे समुद्री जीवन को बनाए रखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जमीन से, धरती का आधार, जहां हमारे पहले नायक डीकंपोजर्स अपना काम करते हैं। ये नन्हे रिसाइकलर्स हर दिन सड़ी गली चीजों को पोषक तत्वों में बदलते हैं, जिससे नई जिंदगी पनपती है। अगर ये ना होते तो जमीन पर सड़न का पहाड़ बन जाता। सबसे पहले हम मिलते हैं केंचुए यानी के अर्थवर्म से। ये छोटे से जीव मिट्टी में सुरंगें बनाते हैं, जिससे हवा और पानी नीचे तक पहुंचता है। गिरी हुई पत्तियां और ऑर्गेनिक कचरे को खाकर ये मिट्टी को खाद में बदलते हैं। एक एकड़ जमीन पर लाखों केंचुए सालाना करीब 350 किलोग्राम खाद बना सकते हैं। ये नन्हे किसान जो भी खाते हैं उसे अपनी पाचन प्रक्रिया से गुजार कर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। केंचुए के अलावा मिट्टी के अंदर फंगस का भी अद्भुत जाल फैला है। हनी फंगस नाम का ये अनोखा फंगस लकड़ियों और पौधों को तोड़कर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों में बदलता है। माइसीलियम हनी फंगस की पतली सूक्ष्म रेशेदार जड़ें हैं जो पेड़ों की जड़ों को आपस में जोड़ती हैं। यह माइसीलियम जाल मिट्टी के नीचे कई किलोमीटर तक फैला हो सकता है और इसके जरिए हनी फंगस न केवल सड़ी गली लकड़ियों को पोषक तत्वों में बदलता है, बल्कि जंगल के पेड़ों को एक दूसरे से जोड़ने का काम भी करता है। जब किसी पेड़ को नाइट्रोजन या फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो माइसीलियम जाल इस पोषक तत्व को दूसरे पेड़ों से खींचकर उस पेड़ तक पहुंचाता है। प्रकृति के इस कनेक्शन को जानकर हैरानी होती है ना? आइए अब मिलते हैं धरती के छोटे से मगर बेहद कुशल सफाई कर्मियों से, चींटियां। दिखने में ये नन्ही होती हैं, लेकिन इनका योगदान हमारे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा है। चींटियां हर दिन कचरे, सड़े गले पौधों और गिरे हुए खाद्य कणों को इकट्ठा करके उन्हें अपने बिल्लों में ले जाती हैं। इस सफाई प्रक्रिया से वे न केवल मिट्टी को साफ करती हैं, बल्कि उसे पोषक तत्वों से भरपूर भी बनाती हैं। इनका यह सफाई कार्य पूरी तरह से प्रकृति के एक रिसाइकलिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जहां कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। इनके साथ ही मिट्टी में अदृश्य बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे कि सीडोमोनास, जो न केवल जैविक कचरे को तोड़ते हैं बल्कि प्लास्टिक और तेल जैसे हानिकारक पदार्थों को भी पचाते हैं। ये नन्हे सैनिक पानी, मिट्टी और यहाँ तक कि समुद्रों को शुद्ध और संतुलित बनाए रखते हैं। जब किसी जीव का जीवन समाप्त होता है तो प्रकृति में कुछ ऐसे सफाई कर्मी हैं जो इस अवशेष को हटाकर संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं। पहले मिलते हैं गिद्ध से। गिद्ध अपने भोजन के लिए मरे हुए जानवरों का सेवन करते हैं। गिद्धों का पाचन तंत्र इतना ताकतवर होता है कि ये एंथ्रैक्स और कॉलेरा जैसे खतरनाक बैक्टीरिया को भी नष्ट कर सकते हैं। जब गिद्ध किसी मृत जानवर को खा जाते हैं तो वे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को अपने पेट में ही खत्म कर देते हैं, जिससे इन्फेक्शन का फैलाव रुक जाता है। इनके इस कार्य से हानिकारक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। शहरों में भी काली चील, जिसे हम ब्लैक काइट के नाम से भी जानते हैं, एक महत्वपूर्ण सफाई कर्मी का काम करती है। काली चील का भोजन मुख्यतः मरे हुए जानवरों और गिरे हुए खाद्य पदार्थों पर निर्भर करता है। ये ऊंचाई से धरती पर अपने शिकार या कचरे को तलाशती हैं और जैसे ही कहीं गिरे हुए भोजन या मृत जानवर को देखती हैं, तुरंत नीचे आकर उसे खा जाती हैं। ये हमारे शहरों में गिरी हुई खाद्य सामग्री को खाकर उसे नष्ट करती है, जिससे कचरे का संचय कम होता है और वातावरण में स्वच्छता बनी रहती है। इनके इस सफाई कार्य से शहरों में हानिकारक कीटाणुओं का फैलाव रुकता है और स्वच्छता का संतुलन बना रहता है। कौवे और रेवेन भी मानव बस्तियों में खाने के अवशेष और गिरे हुए खाद्य कणों को खाकर वातावरण को साफ रखते हैं।
ये पक्षी जो हर वातावरण में सहजता से ढल जाते हैं, अपनी बेजोड़ बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता के कारण हर जगह सफाई का कार्य करते हैं। चाहे घने जंगल हों या भीड़भाड़ वाले शहर, कौवे और रेवेन अपने प्रभावी सफाई कार्य के लिए जाने जाते हैं। इनके भोजन में अक्सर वे अवशेष शामिल होते हैं जिन्हें अन्य जीव अनदेखा कर देते हैं। ये जीव उन खाद्य पदार्थों और कचरे को खाते हैं जो सड़कर वातावरण को दूषित कर सकते हैं। उनके इस सफाई कर्मी कार्य का असर न केवल पर्यावरण पर बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अब मिलते हैं प्रकृति के दो अनोखे और कुशल सफाई कर्मियों से, भेड़िये और लकड़बग्घे। ये दोनों शिकारी जीव अपनी अनोखी विशेषताओं के कारण हमारे इकोसिस्टम में गहरे बदलाव लाते हैं। पहले मिलते हैं भेड़ियों से, जिन्हें अक्सर खतरनाक शिकारी समझा जाता है, लेकिन ये वास्तव में हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के अद्भुत संरक्षक हैं। भेड़िये जंगलों में हिरण और अन्य शाकाहारी जानवरों की संख्या को नियंत्रित रखते हैं। जब ये शिकार करते हैं तो घास और पौधों को उगने का मौका मिलता है। क्योंकि शाकाहारी जीवों की संख्या सीमित रहती है, इस संतुलन से मिट्टी में नमी और पोषक तत्व भी संचित रहते हैं। इनका यह संतुलन बनाए रखना न केवल वनस्पतियों को मजबूत बनाता है बल्कि कार्बन को भी सोखता है, जो जलवायु परिवर्तन को धीमा करने में मदद करता है। लकड़बग्घा मरे हुए जानवरों को खाने में माहिर है और उन अवशेषों का सेवन करता है जिन्हें अन्य जानवर नहीं खा पाते। लकड़बग्घे की पाचन शक्ति इतनी ताकतवर है कि ये सख्त हड्डियों तक पचा लेते हैं। इनके इस सफाई कर्मी कार्य से हर एक मृत जीव के अवशेष धरती में मिल जाते हैं और उनके शरीर में मौजूद कैल्शियम और अन्य खनिज मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। लकड़बग्घे जब एक मृत जानवर को खा जाते हैं तो वे हानिकारक बैक्टीरिया और बीमारियों के फैलाव को भी रोकते हैं। इनके बिना मृत जानवर सड़ने लगेंगे और बीमारी का खतरा बढ़ेगा। अब हम वेटलैंड्स की ओर बढ़ते हैं, जो प्रकृति के अपने फिल्टर हैं। यहाँ पर कुछ अनोखे जीव हैं जो इस इकोसिस्टम को संतुलित और साफ रखने में मदद करते हैं। बीवर, जिन्हें वेटलैंड्स का इंजीनियर भी कहा जाता है। बीवर अपने मजबूत दांतों से पेड़ काटकर नदियों और धाराओं पर बांध बनाते हैं, जिससे पानी रुक जाता है और तालाब जैसी संरचना बन जाती है। इन तालाबों में मिट्टी और अन्य कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, जिससे पानी स्वाभाविक रूप से साफ होता है। बीवर के बांधों से बने ये तालाब न केवल पानी को फिल्टर करने का काम करते हैं बल्कि मछलियों, पक्षियों और छोटे जलीय जीवों के लिए सुरक्षित आश्रय भी प्रदान करते हैं। इन तालाबों के कारण भूजल स्तर भी बढ़ता है, जो आसपास के पेड़ पौधों के लिए संजीवनी का काम करता है। बीवर का यह कार्य पूरे वेटलैंड्स इकोसिस्टम को संजीवनी देता है, जहां हर जीव को पनपने का मौका मिलता है। मेंढक, खासकर बुलफ्रॉग, मच्छरों और अन्य कीड़ों को खाते हैं, जिनसे बीमारियां फैलने का खतरा होता है। एक अकेला बुलफ्रॉग हर रात सैकड़ों मच्छरों को खा सकता है, जिससे मच्छरों की संख्या नियंत्रित रहती है और आसपास के वातावरण में बीमारियां कम होती हैं। मेंढकों का यह कीट नियंत्रण वेटलैंड्स के स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। उनकी उपस्थिति एक स्वस्थ वेटलैंड का संकेत है, जहां पानी साफ, पौधे हरे भरे और अन्य जल जीव सुरक्षित महसूस करते हैं। बीवर और मेंढक अपने अपने तरीकों से वेटलैंड्स और जल स्रोतों को संतुलित और स्वच्छ बनाए रखते हैं। ये दोनों जीव न केवल अपने भोजन के लिए बल्कि पूरे इकोसिस्टम की सेहत और सुरक्षा के लिए अनमोल योगदान देते हैं। जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा घिरता है, प्रकृति का एक अनोखा सफाई कर्मी दल अपने काम में जुट जाता है। हमारे नाइट शिफ्ट सफाई कर्मी मिलते हैं चमगादड़ों से, जिन्हें प्रकृति के कीट नियंत्रण विशेषज्ञ भी कहा जा सकता है। ये रात्रिचर जीव जैसे ही रात का अंधेरा फैलता है, मच्छरों और अन्य कीटों को खाने के लिए बाहर निकलते हैं। एक अकेला चमगादड़ हर रात सैकड़ों मच्छर और छोटे कीटों को खा सकता है। इनके इस कार्य से न केवल फसलों को बचाने में मदद मिलती है बल्कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा भी कम होता है। सोचिए, ये नाइट शिफ्ट सफाई कर्मी कितने जरूरी हैं। ये हैं हमारी धरती के नेचुरल क्लीनअप क्रू के सदस्य, जो धरती की सफाई और संतुलन बनाए रखता है। अगले भाग में हम आपको पानी के नीचे ले चलेंगे, जहां महासागरों और नदियों में सफाई का काम करने वाले जीवों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में कौन सा सफाई कर्मी सबसे अनोखा लगा, हमें कमेंट में बताइए और अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर।